चलें, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। सो टुडे वी आर गोइंग थ्रू लेक्चर नंबर टू। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर, सम फर्दर प्रैक्टिकल डिटेल्स अबाउट मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी सॉ अ जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर, हाउ कैन वी डॉक्यूमेंट 4+ view architecture, and finally I explained you a broader concept of model-driven architecture. Today I am going to cover some practical aspects of model-driven architecture, and I hope you are going to enjoy this lecture. So, जहाँ भी कोई आपको क्यूरी होती है, you can ask anytime. So the sequence would be the concept of meta modeling, then object management group layers of modeling, then MoF versus E core, and then some idea about domain specific language with some examples. So, first of all, once we talk about model driven architecture, there is a concept of meta modeling. So what is meta modeling? Why is it relevant in the context of MDA? That we are going to cover, and this content has been picked from a book known as MDA Explained, and its chapter 8 has been picked, and the information has been taken from this particular chapter. So, starting from meta modeling, in the past, languages were often defined using grammar in Backus Norr form, BNF, which describes what series of tokens is the correct expression in a language. अब आप में से अगर बैचलर में कुछ ने ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ी हुई है या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, तो देन यू विड बी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। कई किस्म की ग्रामर होती है, और वो जनरली हम कंपाइलर का थ्योरी में या ऑटोमेटा थ्योरी में पढ़ते हैं। तो ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है? बिकॉज टेक्सचुअल लैंग्वेजेस आर क्रिएटेड थ्रू ग्रामर्स। सबसे पहले हम ग्रामर लिखते हैं, ग्रामर्स से फिर हम कंपाइलर्स वगैरह जनरेट करते हैं एक, और उनको क्रिएट करते हैं, और जो सेंटेक्स होता है किसी भी टेक्सचुअल लैंग्वेज का, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ग्रामर। तो ग्रामर हैज अ की रोल इन डेवलपिंग टेक्सचुअल लैंग्वेजेस। दिस मैथड इज सुटेबल एंड हैविली यूज फॉर टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। बिकॉज मॉडलिंग लैंग्वेजेस डू नॉट ऑफन हैव टू बी टेक्स्ट बेस्ड and often are not. They can, for example, have graphical syntax like UML. We will need a different mechanism for defining languages in MDA context. तो अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो ग्राफिक जो मॉडलिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जनरली दीज आर ग्राफिकल लैंग्वेजेस। तो ग्राफिकल लैंग्वेजेस के लिए ग्रामर वाला जो आइडिया है वो दैट इज नॉट सुटेबल, जबकि हम इसके लिए वी यूज अ डिफरेंट टेक्निक, एंड दिस टेक्निक और मैकेनिज्म इज कॉल्ड मेटा मॉडलिंग। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? बेसिकली हमने ये मैसेज दिया है यहाँ पे, समझाने की कोशिश की है कि टेक्स्ट लैंग्वेजेस के लिए ग्रामर यूज की जाती है, और जो ग्राफिकल लैंग्वेजेस होती हैं इनके लिए हम मेटा मॉडलिंग यूज करते हैं। सो इट मींस ग्रामर इज एन इक्विवेलेंट ऑफ मेटा मॉडलिंग, या हम ये कह सकते हैं कि मेटा मॉडलिंग और अ मेटा मॉडल इज एन इक्विवेलेंट ऑफ अ ग्रामर। तो ये दिस इज द बेसिक मैसेज ऑफ दिस स्लाइड। Okay, just see the graphic idea. We say that any formal model must be written in a well-defined language.
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पिछले लेक्चर में कि हम पेंट के अंदर भी ग्राफिकल डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं, रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, यूज केस के ओवल ओवल शेप्स बना सकते हैं, बट मेकिंग सम डायग्राम इन पेंट वी कांट से दैट इट इज अ मॉडल बिकॉज इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेंटेक्स और सेमेंटिक्स बिहाइंड. सो फॉर हैविंग अ वेल डिफाइंड सेंटेक्स एंड सेमेंटिक्स बिहाइंड वी नीड सम लैंग्वेज. जैसे हम कहते हैं यूएमएल, यूएमएल एक लैंग्वेज है, वेल डिफाइंड लैंग्वेज है. हमें पता है कि हमने क्लास को कैसे डिपिक्ट करना है, क्लास के अंदर क्या हो सकता है, यूज केस को किस तरह डिपिक्ट करना है, यूज केस के अंदर क्या हो सकता है. सो दिस ऑल हैज बीन डिफाइंड इन अ यूएमएल मेटा मॉडल. और इसलिए अगर जब हम यूएमएल मॉडल बनाते हैं तो दैट मॉडल दोज मॉडल्स आर बेस्ड ऑन सम वेल डिफाइंड सेंटेक्स एंड सिमेंटिक्स. सो दिस इज कॉल्ड अ लैंग्वेज. सो वी इफ वी टॉक अबाउट यूएमएल मॉडल, यूएमएल मॉडल इज रिटन इन अ यूएमएल लैंग्वेज. सेकेंडली दैट लैंग्वेज इज ऑल्सो डिफाइंड इन सम मेटा मॉडल. यूएमएल लैंग्वेज इज डिफाइंड बाई यूएमएल मेटा मॉडल. सो दैट्स वाई अ लैंग्वेज इज डिफाइंड बाई अ मेटा मॉडल एंड दैट मेटा मॉडल इज अगेन डिफाइंड और रिटन इन अनदर मेटा लैंग्वेज. क्योंकि मेटा मॉडल भी फॉर्मल है हमारा, तो मेटा मॉडल में भी ये नहीं अपनी मर्जी से जो मर्जी हम उसमें लिखते जाएं, इट हैज टू फॉलो सम रूल्स, सम सेंटेक्स, सम सिमेंटेक्स. सो दोज रूल्स रूल्स फॉर अ मेटा मॉडल आर रिटन इन अ मेटा लैंग्वेज. ये अब मैं एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, आपको अक्सर को बात अभी तक समझ नहीं आई होगी, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट फर्दर इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. बिकॉज मेटा मॉडल इज ऑल्सो अ मॉडल, अ मेटा मॉडल इट सेल्फ मस्ट बी रिटन इन अ वेल डिफाइंड लैंग्वेज. हम इसकी बात कर रहे हैं कि मेटा मॉडल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन अ वेल डिफाइंड लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड मेटा लैंग्वेज. तो एक हो गई लैंग्वेज और एक हो गई मेटा लैंग्वेज. यानी कि मेटा मीन्स अ लैंग्वेज फॉर अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज दिस इज अ मेटा लैंग्वेज मीन्स अ लैंग्वेज विच इज यूज टू डिफाइन अ लैंग्वेज. दिस इज मी मेंट बाई मेटा मॉडल, मेटा लैंग्वेज. अगर हम कहते हैं जी मेटा मॉडल, अ मेटा मॉडल इन विच इज यूज टू डिफाइन अ मॉडल, सो वी कॉल इट मेटा मॉडल. एंड बी एन एफ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेटा लैंग्वेज, लेकिन बी एन एफ इज यूज फॉर टेक्स्टुअल लैंग्वेजेस. एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? ओके, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इसको. नाउ इट इज एन एग्जाम्पल. हम ये कहते हैं कि जी देर इज अ मॉडल, हम उस मॉडल को एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इन्वेंट्री डोमेन के लिए एक इन्वेंट्री का मॉडल बनाते हैं. मे बी वी कैन क्रिएट इन यूएमएल टूल. तो एक मॉडल बनाया हमने इन्वेंट्री को मॉडल करने के लिए. नाउ दिस पर्टिकुलर मॉडल इज रिटन इन यूएमएल लैंग्वेज. ठीक है, तो जो यूएमएल टूल होता है उसका जो पैलेट होता है, जहां से आप डिफरेंट क्लास का कॉन्सेप्ट है, एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है, सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं पैलेट के अंदर आ रहे होते हैं यूएमएल टूल में. तो पैलेट ये समझ लें कि एक तरह का पैलेट, एक तरह का वो लैंग्वेज है, वो जो यूएमएल लैंग्वेज है वो पैलेट उससे क्रिएट हो रहा होता है. उस पैलेट से जब हम कोई कॉन्सेप्ट उठा के हम ड्रैग करके लेके आते हैं उसके ऊपर, कैनवस के ऊपर टूल के, तो उस पैलेट में उस कॉन्सेप्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है उस कैनवस के ऊपर. तो ये समझ लें कि लैंग्वेज जो है वो पैलेट में नजर आ रही होती है हमें, और कैनवस पे हम एक्चुअल मॉडल बना रहे होते हैं, डिफरेंट इंस्टेंसेस बना रहे होते हैं. अब होता ये है कि जो यूएमएल है जो हमने डिफाइन की हुई है, दैट इज ऑल्सो रिटन इन अ एनदर लैंग्वेज, मेटा लैंग्वेज. इसको हम कहते हैं एमओएफ. एमओएफ स्टैंड्स फॉर मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी.
So here we can see there are three different levels जो हमें नजर आ रहे हैं. एक inventory model है, inventory model है, एक UML model है जिसमें जिसकी बेस पे अपने inventory model use किया है. फिर UML भी define की गई है कहीं पे, उसको हम MOF कहते हैं. तो let's see some formal discussion on this figure. The meta model completely defines a language. जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि जो meta model होता है it completely defines a language. So therefore it is not necessary or useful to make distinction between language and a meta model. तो यहाँ पे हमने meta model वाला जो पिछली स्लाइड पे हमने दिया था, हमने हम ये कह रहे हैं कि जी meta model कह लें या लैंग्वेज कह लें एक ही बात है. तो हम ये कह सकते हैं कि मेटा मॉडल इज रिटन इन अ लैंग्वेज एंड देन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज रिटन इन अ मेटा लैंग्वेज. तो हमने क्या बीच में से स्किप कर दिया, हमने ये वाला एक जो, क्योंकि ये मेटा मॉडल और लैंग्वेज दीज आर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स. तो हम वी कैन यूज एनीथिंग, मॉडल इज रिटन इन अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज रिटन इन अ मेटा लैंग्वेज, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. तो हमने थोड़ा उसको कंसाइज कर दिया है उसी कॉन्सेप्ट को. सो इट इज नॉट नेसेसरी और यूजफुल टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड द मेटा मॉडल दैट डिफाइंस द लैंग्वेज. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर इक्विवेलेंट. फिगर 8.2 शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ मॉडल एंड इट्स लैंग्वेज, मॉडल एंड इट्स लैंग्वेज एंड इट्स meta language. तो any question on this slide? तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रेजुअली आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो बेसिक मैसेज है स्लाइड पे वो ये है कि मॉडल को हम किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो लैंग्वेज भी किसी और मेटा लैंग्वेज में डिफाइन लिखी जाती है. तो ये अभी तक हमने ये बात कर रहे हैं. Now there are four modeling layers of OMG. OMG stands for Object Management Group. इसकी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ. ये OMG की वेबसाइट है, omg.org. ये आपको नजर आएगा कि OMG एक ग्रुप है which is जिसमें जो जितने भी joints हैं software industry के, they all are members of this group. और ये basically group करता क्या है, ये OMG, they standardize various specifications. For example, ये specifications देखेंगे तो ये industries आ रही हैं, इसके अंदर specifications हैं और इसमें आपको बहुत सी वो मिलेंगी स्पेसिफिकेशंस जो कि स्टैंडर्डाइज हैं. स्टैंडर्डाइज करने का पर्पज़ क्या है, स्पेसिफिकेशन क्यों स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जितने भी वेंडर्स जो सॉफ्टवेयर टूल्स बना रहे हैं देर उनके जो मॉडल्स उसमें क्रिएट करते हैं, दोज मॉडल्स शुड बी इंटरऑपरेबल. एक टूल में अगर मॉडल बनाए तो दूसरे टूल में खुल सके. तो इसका मतलब है कि इसके लिए वी नीड सम स्टैंडर्डाइजेशन ताकि सारे टूल्स जो हैं उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को यूज़ करें और उन स्टैंडर्ड्स पे ही अपने मॉडल्स बनाएं, अपने रिसोर्सेज बनाएं, अपने आर्टिफैक्ट्स बनाएं, सो दैट देर शुड बी जो इजी है हमारा जो सॉफ्टवेयर के जो मॉडलिंग है या सॉफ्टवेयर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हो सकें. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है OMG स्टैंडर्डाइजेशन, इसे खोल के देखते हैं. ये एक रिसेंट कोई स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, ओपन आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन फॉर स्पेस एंड ग्राउंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस. तब ये एक स्टैंडर्डाइजेशन पे काम हो रहा है आजकल. अच्छा जी, इसके अलावा स्टक अप हुआ
हम आर्काइव में जाते हैं। आर्काइव में नहीं, कैटेगरीज को देखते हैं। एक्सेस क्यों नहीं मिल रही मुझे? पब्लिकेशंस omg.org। स्पेसिफिकेशन UML। ये आप देखेंगे कि UML की स्पेसिफिकेशन पड़ी हुई है यहाँ पे। UML 2.5.1 इज द लेटेस्ट वर्जन और इसमें आप ये इसकी स्पेसिफिकेशंस पड़ी हुई हैं। 2.51 PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं सब, और बाकी इसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया, इस तरह मैं इसको स्पेसिफिकेशन को लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस पड़ी हुई हैं। ये दीज ऑल आर स्पेसिफिकेशन जो स्टैंडर्डाइज की गई हैं। इन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आएगा MOF, OCL, SysML, UML, DODF, XMI, ठीक है जी। इसके बाद ADA लैंग्वेज मैपिंग और A ट्रैफिक कंट्रोल, BPMN। तो बहुत लंबा चौड़ा काम है यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो ये बड़ा एक्टिव ग्रुप है जो कि पूरी स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज नजर आ रही है आपको 2.4। सो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करके देखिएगा। इसको OMG ग्रुप में सारी स्टैंडर्डाइजेशन स्पेसिफिकेशन सारी यहाँ पड़ी हुई है। ओके, नाउ what omg has done, they have created a four modeling layer, they have created four modeling layers for realizing the concept of model driven architecture. The omg uses four layers architecture for its standards. In omg terminologies, these layers are called m0, m1, m2 and m3. To sabse jo top layer hoti hai that is called m3, fir m2, m1 aur m0. तो M3 में अगर हम नीचे से M1 से शुरू करते हैं कि जब हम एज अ यूज़र UML डायग्राम बना रहे होते हैं तो UML डायग्राम हम बनाते हैं M1 लेवल पे। वी कॉल इट मॉडल ऑफ द सिस्टम। UML डायग्राम बनाते हैं, क्लास डायग्राम, कोई भी डायग्राम, तो वी आर बेसिकली क्रिएटिंग मॉडल ऑफ द सिस्टम। सो आप जो फेमिलियर हैं अभी तक वो M1 लेवल से फेमिलियर हैं, ठीक हो गया, और M0 लेवल से अगर उस मॉडल के आप इंस्टेंस बना लेते हैं और रनिंग इंस्टेंस बनाते हैं तो हम कहेंगे जी दैट इज M0 लेवल। इसका मतलब है कि आपने कोई एग्जीक्यूटेबल कोड बनाया है उस मॉडल से, तो अगर वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है विच इज इक्विवेलेंट ऑफ द मॉडल, तो एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कॉन्सेप्चुअली एग्जीक्यूशन ऑफ दैट मॉडल विल बी डन एट M0 लेवल। अब आ जाए ऊपर M2 पे। M2 हम कहते हैं मॉडल ऑफ द मॉडल, यानी कि ये जो मॉडल है M1 लेवल पे जो हमने मॉडल बनाया है उसका मॉडल, कि वो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, सेमेंटिक्स होगी, दैट मॉडल इज डिफाइंड एट M2 लेवल। दैट्स व्हाई मॉडल ऑफ द मॉडल इज समटाइम्स कॉल्ड मेटा मॉडल। मॉडल ऑफ द मॉडल समटाइम्स इज कॉल्ड मेटा मॉडल। And there is top level which is called M3. It is model of M2 level. यानी कि जो M2 level पे हमने meta model define किया है उसका भी model जो होगा उस वो that is defined at M3 level. इसे sometimes we call it meta model. तो M2 पे meta model होता है, M1 पे model होता है,
एम टू पे मेटा मॉडल होता है एंड एम थ्री पे मेटा मेटा मॉडल होता है. सो बेसिकली फॉर रियलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर, OMG has conceptualized four layers architecture, four layer of architecture, that is M3, M2, M1 and M0. ठीक है जी, any question at this slide? आगे मैं further explain करता जा रहूँगा, concepts को expand करता जाऊँगा और examples वगैरह भी आगे आ रही हैं. आई होप यू ऑल आर लिसनिंग, मेरी आवाज भी आ रही है आपको, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं है तो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे शायद कनेक्शन कनेक्शन ब्रेक हो गया है. नो वन इज, तो थोड़ा बहुत कुछ रिस्पॉन्ड कर दिया करें. जी सर, न्यू टॉपिक है ना तो सर इसलिए समझ नहीं आ रही, मैं ये वेट कर रहे हैं कि सर आप आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको. हाँ, ये हो जाएगा आखिर तक पहुँचते पहुँचते आपको समझ आने. अच्छा, M1 क्या है? ये फॉर्मली लिखा हुआ है, इन यू एम एल टूल्स मॉडल्स आर डेवेलप्ड एट दिस लेवल. ठीक हो गया, आप इससे फेमिलियर हैं, आपने यू एम एल टूल्स यूज किए होंगे तो आप इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं एज अ यूजर. सेकेंडली, M2 लेवल पे UML एंड अदर लैंग्वेजेस, जो OMG ने जितनी भी लैंग्वेजेस, जैसे मैंने अभी आपको वेब पेज खोल के दिखाया है, बहुत सी लैंग्वेजेस डिफाइन की हुई हैं, स्टैंडर्डाइज की हुई हैं. All these languages are defined, including UML, at M2 level. These languages are defined at M2 level. So here we have written UML and other languages are defined at this level. Now M3 level. M3 level provides common vocabulary for defining languages at M2. यानी कि M2 पे जो languages हम define करते हैं उसके लिए कॉमन वोकैबुलरी M3 लेवल पे डिफाइन करता है, M3 लेवल डिफाइन करता है. और जितनी भी लैंग्वेजेस हम M2 लेवल पे डिफाइन करते हैं, वी स्ट्रिक्टली यूज द वोकैबुलरी प्रोवाइडेड एट M3 लेवल. हम उसके अलावा कोई वोकैबुलरी यूज नहीं करते. उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जो टॉप लेवल M3 के कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट्स कॉमन होंगे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत आसानी से की जा सकती हैं, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस जो हैं M2 लेवल की हैं वो कॉमन M3 लेवल के कॉन्सेप्ट से ड्राइव हुई हुई हैं. इसका मतलब है हर लैंग्वेज को हम इन टर्म्स ऑफ M3 लेवल कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं. इस वजह से इसका फ़ायदा ये होता है कॉमन कॉन्सेप्ट M3 पर रखने का, कि सारी लैंग्वेजेस आपस में इंटरऑपरेबल हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को क्रिएट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. ये सारे हमें फायदे मिलते हैं एक M3 लेवल पे कॉमन वोकैबुलरी रखने का, और स्ट्रिक्टली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसी कॉमन वोकैबुलरी को ही यूज करती हैं अपने नए कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करने के लिए. तो यहां तक कोई क्वेश्चन? चलें आगे इसको और फर्दर एक्सपेंड करते हैं. अच्छा जी, अब ये एक आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये इंट्रोडक्शन टू मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर, MDA ओवरव्यू, 3+1 लेयर आर्किटेक्चर. अच्छा जी, जो लेवल 0 है ये देखें रेड कलर में शो हो रहा है, इसमें भी है लेवल M3, लेवल M2, लेवल M1, लेवल M0. अच्छा, लेवल M0 पे लिखा हुआ है इट इज रियल वर्ल्ड. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल चीजें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, आपके कोई भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो एग्जीक्यूशन को हम M0 लेवल कहते हैं, दैट इज रियल वर्ल्ड एक्चुअल एग्जीक्यूशन. तो इसको हम 4 लेयर के बजाय 3+1 भी कहते हैं, क्योंकि मॉडलिंग के लेयर 3 ही है, मॉडलिंग की लेयर 3 है, एक चौथी लेयर है जो कि एग्जीक्यूशन लेयर है, तो उसको हम M0 कहते हैं. तो इसलिए समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3+1 लेयर आर्किटेक्चर. अब मैंने आपसे बताया था कि जो M1 लेवल होता है, फॉर एग्जांपल M3 से शुरू करते हैं, ये अपने माइक बंद कर लें, किसी का माइक ऑन, लेट मी
ओके जी, सबके मैंने म्यूट किए हैं माइक्स। ओके, तो M3 लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया था, एक लैंग्वेज है जिसे हम MOF कहते हैं। इट स्टैंड्स फॉर मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी एंड इट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड मेटा मेटा मॉडल। MMM मींस मेटा मेटा मॉडल, मेटा मेटा मॉडल। एंड मेटा मेटा मॉडल कन्फर्म्स टू इटसेल्फ, इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट M3 लेवल पे डिफाइन किए गए हैं, वो कॉन्सेप्ट अपने आप को खुद डिफाइन कर रहे होते हैं, वो अपने आप को खुद डिफाइन कर रहे होते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश की जो है डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी को हम खोलें, तो इंग्लिश की डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को अगर हम खोलें तो इंग्लिश के कोई भी वर्ड है उसका जब हम मीनिंग देखते हैं तो वो उसमें जो भी सेंटेंसेस आ रहे होते हैं वो सारे उसी डिक्शनरी में ही डिफाइंड होते हैं। हमें कोई और डिक्शनरी कंसल्ट नहीं करनी पड़ती। अगर अगर कोई एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसको जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो उसके उसकी एक्सप्लेनेशन में जितने भी वर्ड यूज हो रहे हैं वो उसी इंग्लिश डिक्शनरी में ही आपको रिकर्सिवली डिफाइन हुए हुए मिल जाएंगे। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ MOF मेटा मॉडल, कि इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट डिफाइन किए गए हैं दोज कॉन्सेप्ट्स आर डिफाइंड इन इट सेल्फ, दोज कॉन्सेप्ट्स आर डिफाइंड एट दिस लेवल। तो हम कहते हैं जी MOF कॉन्सेप्ट्स कन्फॉर्म्स टू इट सेल्फ। अच्छा, इसके बाद M2 लेवल की हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि UML मेटा मॉडल, MM मींस मेटा मॉडल, UML मेटा मॉडल और बाकी लैंग्वेजेस जितनी भी है, एक लैंग्वेज है जिसका नाम है CWM, एक लैंग्वेज है जिसका नाम है EDOC, इस और भी बेशुमार लैंग्वेजेस हैं। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दोज ऑल लैंग्वेजेस कन्फॉर्म टू M3 लेवल MOF लैंग्वेज, जो मेटा मेटा मॉडल की लैंग्वेज है या मेटा मेटा लैंग्वेज है। और ये दीज ऑल आर कन्फॉर्मिंग टू M2 लेवल इज कन्फॉर्मिंग टू M3 लेवल। सिमिलरली अगर हम M1 लेवल की बात करें, जहाँ पे जिससे हम लोग फेमिलियर हैं एज अ यूज़र, तो हम जो भी UML मॉडल बनाते हैं, अगर हम UML मॉडल बना रहे हैं तो हमारे UML मॉडल्स UML मेटा मेटा मॉडल के साथ कन्फॉर्म करेंगे। जो भी उसमें सेमेंटिक्स या सेंटेक्स दिया गया होगा उसको ये कन्फर्म करेंगे जो मॉडल हम बना रहे होंगे। इसी तरह हो सकता है EDOC का अलग से कोई एडिटर हो, तो उस एडिटर में फिर EDOC के जब मॉडल बनाएंगे तो वो उससे कन्फर्म करेंगे। इस तरह CWM का कोई एडिटर होगा तो CWM के मॉडल जब हम बनाएंगे तो वो CWM मेटा मॉडल से कन्फर्म करेंगे। तो इसी तरह अगर हम एक UML मॉडल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं जी इट इज M1 मॉडल है, फिर हमने एक और मॉडल बनाया, तो अगर एक M1 मॉडल बनाते हैं तो अब उस मॉडल को अगर हम उससे कोड जनरेट करते हैं और उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम कह सकते हैं, अगर वो कन्फर्म कर रहा है कोड कि जी इट इज़ पर्टिकुलर वन पर्टिकुलर यूज ऑफ मॉडल, ठीक है, देन इट कैन बी अनदर यूज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल। तो एक ही मॉडल को मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल जगहों पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका? यू कैन सी ऐसा ऐसा चीज़ों को मैं एक्सपेंड करता जा रहा हूँ। तो कोई यहाँ पे क्वेश्चन हो ऐसा जिसको कोई चीज़ इस पर्टिकुलर, आपने आपने मेटा मॉडलिंग मेटा मेटा मॉडलिंग का MOF बताया, तो अब UML में आप लेवल M2 में देखें तो तीन, यानी आपने डिफरेंट बताए मेथड्स, तो MMM में तीन डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गई, तो MMM में हमारे पास सिर्फ एक ही यही टेक्निक यूज होगी MOF की। हाँ, एक ही लैंग्वेज है, ये कॉमन लैंग्वेज है, और M2 लेवल पे जब भी कोई लैंग्वेज हम डिफाइन करते हैं हम यही MOF की वोकैबुलरी यूज करके उसको डिफाइन करते हैं। उसका फायदा जो होता है, ये कॉमन लैंग्वेज का फायदा यह है कि ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं आपस में भी ये कंपेटेबल होती हैं, आप आसानी से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को के मॉडल जनरेट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके आपस में ट्रांसफॉर्मेशन, आपस में इनकी इंटरऑपरेबिलिटी वगैरह आसानी से की जा सकती है। वजह उसकी क्या है कि ऊपर वोकैबुलरी कॉमन है, और सिंगल वोकैबुलरी है और कॉमन वोकैबुलरी है।
दिस इज दी कॉन्सेप्ट. इसको डेलिबरेटली एक ही लैंग्वेज रखा गया है M3 लेवल पे. जी, एनी अदर क्वेश्चन? इट वाज अ गुड क्वेश्चन. और एनी किसी और की तरफ किसी और कोई और क्वेश्चन? चलें आगे चलते हैं. अच्छा, अब इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट अब अगली स्लाइड पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो जो ये M0 नज़र आ रहा है आपको, इंस्टेंस M1 मॉडल, M2 मेटा मॉडल, M3 मेटा मॉडल, यही फोर लेयर्स ही को हम डिस्कस करते आ रहे हैं. अब नया कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हर नीचे वाला मॉडल या नीचे वाला लेवल अगले लेवल ऊपर वाले लेवल का इंस्टेंस होता है. यानी कि हम कह रहा हूँ कि M0 इज इंस्टेंस ऑफ M1 एंड M1 में जो कुछ भी बनाया गया है दैट इज बेसिकली इंस्टेंस ऑफ M2 लेवल मेटा मॉडल. और जो M2 लेवल मॉडल पे जो कुछ भी हमने डिफाइन किया है इट इज बेसिकली इंस्टेंस ऑफ M3 लेवल मेटा मॉडल. सो सर इंस्टेंस तो ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है सर, तो ऑब्जेक्ट क्या है सर इसके अंदर? ऑब्जेक्ट ही है ना, ऑब्जेक्ट होता है, इंस्टेंस होता है मतलब ऑब्जेक्ट होता है उसका. सर ऑब्जेक्ट मतलब आप सर इस यहाँ पे किस चीज को ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सर, वो नहीं समझ आ रही. ये भी मैं आपको यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस चीज को ले रहा हूँ मैं. ये देखें, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे नीचे से शुरू करते हैं हम. ठीक है, नीचे हम कहते हैं जी एक, पहले आप ये ज़हन में बिठा लें कि इंस्टेंस होते हैं, आप फिर मैं आपको इंस्टेंस की एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आप M1 लेवल से फेमिलियर हैं, M1 लेवल को हम देखते हैं कि M1 फॉर एग्जांपल M1 पे हमने एक पर्सन की क्लास बनाई. UML का टूल है, UML टूल के अंदर हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम हमने रख दिया पर्सन. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये जो पर्सन क्लास है ये बेसिकली एक UML क्लास है. पर्सन जो है, जो हमने क्लास अभी डिफाइन करने कर रहे हैं, ये क्लास एक UML क्लास है और हमने UML टूल में पैलेट से UML क्लास ड्रैग करके कैनवस पे लाए थे. तो वो समझिए कि पैन, ये समझ लें कि जब वहाँ से UML क्लास का कॉन्सेप्ट जब हम ड्रैग करके लाए थे तो हमने M2 लेवल से एक लाके हमने उसको जब यहाँ पे ड्रॉप किया तो उस M2 लेवल में UML क्लास का एक कॉन्सेप्ट का इंस्टेंस क्रिएट हो गया कैनवस पे UML टूल के. फिर हमने वो क्या किया, हमने उसका नाम रख दिया पर्सन. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वो जो UML क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया था पैलेट पे, पैलेट से ला के UML के कैनवस पे ड्राइंग एडिटर पे, तो वो एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया था और फिर हमने उसका नाम रख दिया पर्सन. तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बना कि देर वॉज अ क्लास पर्सन विच वॉज ऑफ टाइप UML क्लास, क्योंकि ये उसका इंस्टेंस बन गया था. यहाँ तक जो बात की है ये क्लियर है? इसमें कोई शक है तो मुझे सर ये रिपीट कर दें काइंडली. अच्छा, ये मैं आपको ये फॉर एग्जांपल ये UML तो नहीं है लेकिन एक क्लास डायग्राम है. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए राइट साइड पे पैलेट नजर आ रहे हैं हमें. ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैं क्लास एक लेके आता हूँ यहाँ पे. मैं क्लास अब यहाँ पे ये समझ लें कि ये आपके M2 लेवल के कॉन्सेप्ट हैं और जब आप ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं तो ये जो कैनवस है ये M1 लेवल है. जैसे ही मैं ड्रैग करके यहाँ पे क्लास ला के छोड़ता हूँ तो हुआ क्या है कि ये क्लास का जो M2 लेवल की क्लास थी उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे पैलेट के ऊपर आके. तो ये आपका समझे कि ये अगर ये UML टूल होता तो ये M2 लेवल था जो पैलेट शो कर रहा है और जब हमने ड्रैग करके यहाँ वाला है तो हमने M1 लेवल पे एक उसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया. तो ये समझिए कि पूरा जो कैनवस है ये पूरा M1 लेवल को शो कर रहा है. तो अब मैं अगर इसका नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नाम रख देता हूँ इसका पर्सन. तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक UML क्लास
का इंस्टेंस क्रिएट किया और उसका नाम मैंने पर्सन रख दिया. दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग एट दिस पॉइंट कि यहाँ पे M1 लेवल पे जब मैंने एक क्लास क्रिएट की तो मैंने एक पर्सन नाम की क्लास क्रिएट की, लेकिन वो बेसिकली UML क्लास का इंस्टेंस था M1 लेवल पे. क्या क्लियर है जो मैंने बताया? जी सर क्लियर. ठीक है, अगर हम इंस्टेंस लेवल की बात करें, जैसे हम एक क्लास बनाते हैं, जावा में क्लास बनाते हैं या सी शार्प में क्लास बनाते हैं, तो हम उसका जब हम मेन मेथड में जाके हम उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और फिर उस इंस्टेंस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन क्लास थी, पर्सन क्लास का मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ डो. मेरे नाम ने मैंने उसका नाम रख दिया डो. तो डो हम कहते हैं डो इज एन इंस्टेंस ऑफ. स्क्रीन नहीं शिफ्ट हुई? अच्छा आती है तो बताएं मुझे. अभी क्या थोड़ा ख्याल है सर? शिफ्ट हुई है, ये स्लाइड्स पे ही है. स्लाइड्स पे आ गए. अच्छा, मेरी तरफ शायद तक नहीं आ रही. जी सर, स्लाइड्स नजर आ रही है. अच्छा, आप थोड़ा सा उसको कर लें. बाकी सबको स्लाइड नजर आ रही है? कोई ऐसा जिसको स्लाइड नजर ना आ रही हो? जी सर, आ रही है स्लाइड. में आ रही है नजर. कोई ऐसा जिसको स्लाइड ना नजर आ रही हो? आप ऑन और ऑफ करके ऑन कर लें उसको, फिर आ जाएगा आपका. सर मैं दोबारा करना होगा. अच्छा, तो हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे M1 लेवल पे. जब हम नीचे, आप बेसिकली एज अ यूजर, आपने एज अ बैचलर लेवल पे आपने इन दो लेवल पे खेला हुआ, M1 और M0 पे. आप जब कोई भी किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसका कोई नाम रख देते हैं, तो वो आपका M0 लेवल हो जाता है. और उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, इंस्टेंस को रन करेंगे, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो बेसिकली पर्सन क्लास का इंस्टेंस डो है, लेकिन M1 लेवल पे UML क्लास को जब कोई नाम दे देंगे, तो हम बेसिकली ये कह रहे होंगे कि UML क्लास का इंस्टेंस पर्सन है. अगर राइट साइड पे आके देखें, तो अगर M1 लेवल पे हमने किसी क्लास का नाम पर्सन रखा है, तो M0 लेवल पे जब हमने एक इंस्टेंस बनाया डो के नाम से, तो हम यही कहते हैं कि जी ये जो इंस्टेंस है, इट इज ऑफ टाइप पर्सन. ऐसे ही है ना? हम जब कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम पहले क्लासेस बनाते हैं, फिर उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो हम कहते हैं दिस इंस्टेंस इज ऑफ टाइप पर्सन. पर्सन क्लास का इंस्टेंस हमने बनाया डो. तो बेसिकली हुआ क्या है कि M1 लेवल पे जो नाम था किसी क्लास का, वो अपने नीचे लेवल पे आता है तो वो टाइप बन जाती है. दिस वॉज नेम, नेम ऑफ क्लास हमने रखा पर्सन. जब हम नीचे लेवल पे आए, तो ये यहाँ से ये जो पर्सन नेम था, इट बिकेम द टाइप. और फिर हमने उस टाइप का एक नाम रख दिया, डो इज ऑफ टाइप पर्सन, पर्सन इज ऑफ टाइप UML क्लास. तो ये सेंटेक्स बेसिकली ऑब्जेक्ट डायग्राम का ही सेंटेक्स है. कॉलन लगा के राइट साइड पे हम टाइप लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पे हम उसका नाम लिखते हैं, और नीचे अंडरलाइन होता है. अंडरलाइन, दिस इज टिपिकल सेंटेक्स ऑफ UML डायग्राम. ऑब्जेक्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट शो करते हैं UML में, तो हम ये इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं, कॉलन लगा के टाइप शो करते हैं, और कॉलन के लेफ्ट पे उसका एक्चुअल नाम होता है. वी से डो इज ऑफ टाइप पर्सन, पर्सन इज ऑफ टाइप UML क्लास. यहाँ तक जो मैंने बताया, समझ आया? जी सर. जी सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नो सर. चले, गुड. तो अब हम इस सेम स्टोरी रिपीट्स फॉर M2 एंड M3 लेवल. हम ये कहते हैं कि जी, अगर हम अब ऊपर से शुरू करें, कहते हैं जी टॉप लेवल एक हमारी टाइप है MOF क्लास की, लेकिन क्योंकि अपने आप को ये खुद डिफाइन करती है, तो MOF क्लास की टाइप और नाम इट इज सेम.
क्योंकि इट इज टॉप मोस्ट लेवल. एमओएफ क्लास इज ऑफ टाइप एमओएफ क्लास बिकॉज इट इज डिफाइनिंग इटसेल्फ. उसके बाद एमओएफ क्लास का हम एम टू लेवल पे हम क्या करते हैं, एमओएफ क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो वो बन जाती है एम टू लेवल पे टाइप. जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एमओएफ क्लास टाइप बन गई है, और हमने एम टू लेवल पे एमओएफ क्लास का नाम रख दिया यूएमएल क्लास. एमओएफ क्लास का नाम एम टू लेवल पे हमने नाम रख दिया यूएमएल क्लास. सो हम कह सकते हैं कि यूएमएल क्लास इज ऑफ टाइप एमओएफ क्लास. इसी तरह अब यूएमएल क्लास का इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, तो हमने इसकी ये बन गई क्लास, यूएमएल क्लास कह लें या क्लास कह लें. तो ये जो नाम है ये क्लास इसकी टाइप बन गई एम वन लेवल के लिए, और यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया पर्सन. तो हमने कहा जी पर्सन इज ऑफ टाइप यूएमएल क्लास. इसी तरह एक और लेवल नीचे गए हम, तो यही नेम पर्सन इट बिकम्स अ टाइप, और इसका नाम हमने रख दिया डो. तो पॉइंट क्या हुआ, दो जो जो मैसेज टू कन्वे इज दैट एवरी लोअर लेवल मॉडल इज एन इंस्टेंस ऑफ द अपर लेवल. तो ये एम जीरो इंस्टेंस है एम वन का, एम वन इंस्टेंस है एम टू का, एम टू इंस्टेंस है एम थ्री का. अगर रिवर्स चलें तो हम ये कह सकते हैं कि एम थ्री डिस्क्राइब्स एम टू, एम टू डिस्क्राइब्स एम वन, एम वन डिस्क्राइब्स एम जीरो. हाँ जी, तो यहाँ पे इस स्लाइड की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई. और एम टू एम थ्री लेवल को हम कहते हैं कि एम थ्री इज इंस्टेंस ऑफ इटसेल्फ एंड एम थ्री डिस्क्राइब्स इटसेल्फ. तो ये अजान की बात आ रही है मेरा ख्याल है. लेट्स हैव अ ब्रेक मगरिब. थैंक यू. ओके सर.